It says you have always talked about building the team. How do you see your role in white ball captaincy as a senior member of the ODI squad right now? Well, my responsibility is obviously to push the team in the right direction, something that I've always looked to do even before I became captain. So that mindset has never changed and it will never change. Rohit is a very able captain and very, very tactically sound. We've seen that in the games that he's captain for India and in the IPL as well. So, and along with Rahul Bhai, who's a very, very balanced coach, great man manager, both of them will have my absolute support and my contribution in whatever vision they set for the team. And I will be there to support that 100% and continue to be a guy who can push the team in the right direction going forward from here in ODIs and T20s. Perfect. Thank you. और सवाल हो सकता है हिंदी में संजीव बोल रहा हूँ नौबारे टाइम से जी मैं विराट एक मेरा सवाल था एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट तो है कि आपको आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है जो कैप्टन एज अ प्लेयर तो है ही है ओडीआई में लेकिन इस तरह से अनफॉर्चुनेट आपने बताया कि आपको हटाया गया तो आपको वजह बताई गई कि क्यों हटाया जा रहा है और दूसरे एक और चीज जो कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूं बट ये आप भी सुनते होंगे या खबरें आती हैं कि आपके और रोहित के रिश्तों को लेके उस पर थोड़ा आप बोलना चाहेंगे देखिए मैं रीजंस ऑब्वियसली हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते रीजंस मैं समझ सकता हूँ मुझे डिसीजन सही है नहीं उस पर कोई डिबेट ही नहीं थी मतलब डिसीजन जो बीसीसीआई ने लिया वो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लिया जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है मैं समझ सकता हूँ बाकी जो इवेंट्स हुए जिस तरीके से कम्युनिकेट किया गया वो मैंने आपको बता ही दिया था और दूसरी चीज ये कि देखिए मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा और ये हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए और ये मेरी कमिटमेंट इंडियन क्रिकेट की तरफ है हमेशा Perfect. Thank you. Thank you, Captain. Thanks everyone for your time. Thank you, Captain, for your time too. Thank you.